हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। और ये वीडियो मेरी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, आप इसे पूरा देखिएगा। और कैसे हैं आप सब, आई होप बढ़िया से होंगे। और ये मेरी सबसे पहली ट्रिक है करी पत्ते को लेकर। जो करी पत्ते होते हैं हमें ताज़ा तो मिल नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हें सुखा करके अपनी बोर्ड में भर के रख देना चाहिए। तो ये पत्ते मैंने धूप में नहीं सुखाए हैं, मैंने गत्ते के डब्बे में डाल करके छाई में सुखाए हैं। तो फ्रेंड्स, इनका कलर भी इतना हल्का नहीं हुआ है और इनमें खुशबू भी बहुत है। तो आप भी इसी तरीके से करी लीव्स को सुखाकर अपने डब्बे में सेव करके रखिएगा, तो ये आपके बहुत काम आते हैं। क्योंकि आजकल साउथ इंडियन खाना भी बनाने लगे हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अभी ये जो डब्बा है खाली घेवर का हमारा, तो इसका भी हम बहुत अच्छा यूज़ बताएंगे। तो जो आपके किचन में ज़रूरत के डब्बे होते हैं, तो वो अपने पास इस डब्बे में रख के रख सकते हैं, तो जिससे आपको लेने में आसानी होगी और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इस तरह से घुमाकर भी ले सकते हैं। तो आप ये डब्बे अपने गैस के पास भी रख सकते हैं, जिससे आपको लेने में आसानी रहे और जल्दी से आपका काम हो सके। तो ये भी ट्रिक बहुत अच्छी है, आप इसे फॉलो करिएगा। तो अब तीसरी ट्रिक आती है मेरी रिफाइंड ऑयल को लेकर। ये जो पैकेट होते हैं, हम क्या करते हैं कि इसे सारा प्लास्टिक कोने की काट कर फेंक देते हैं, तो वो रिसाइकल होने से रह जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिफाइंड ऑयल को इस तरह से कस के पकड़ लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा कैंची से कट लगाना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमारी जो प्लास्टिक है वो ख़राब नहीं जाएगी और रिसाइकल होने में आ जाएगी। तो अब रिफाइंड ऑयल को स्टील के डिब्बे में करके रख दें और ये प्लास्टिक भी ख़राब नहीं जाएगी। तो इस तरीके से कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, तो इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, ये जब हम ग्रोसरी लेकर आते हैं तो उसमें हम चीनी भी लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैकेट ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन चीनी का पैकेट हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नमी आ जाती है। तो हमें इसलिए प्लास्टिक के डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख देना चाहिए, तो इससे हमारी चीनी सेफ रहती है और चींटी भी इसमें नहीं लगती हैं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी गत्ते को लेकर। ये जो हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, इसमें गत्ते के डब्बे जो निकल आते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे ये डब्बा है हमारा, तो इसमें सबसे पहले तो हम एक न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर साबित हो सकता है। तो इसमें हम जो हमारे टोपे मोजे वगैरह होते हैं, ये छोटे कपड़े तो हमें ढूंढने पर मिलते नहीं हैं और इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें हमारा काफ़ी समय ख़राब चला जाता है। तो इसलिए इस डब्बे में वो रखे जा सकते हैं। और टोपे भी और मफलर वगैरह और जो हमारे ग्लव्स होते हैं, उन्हें भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये डब्बे हमारे इस तरह से काम आ जाएंगे और ये चीज़ें हमें समय पर मिल जाएंगी, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा और ना ही हमारा एक धधर होगा। तो ये डब्बे इस तरह से हम काम ले सकते हैं। तो है ना कितनी यूज़फुल ट्रिक है। तो अगली ट्रिक आती है हमारी, तो हमने एक कटोरे में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हमने खाली दवाई के रैपर काट कर डाल दिए हैं। तो इसमें हम अपनी स्पून डाल देते हैं। क्या होता है, स्पून हमारे सीधा मुंह में जाती है, तो हमें इसकी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें हफ्ते में एक बार अपनी चम्मच को बॉयल कर देना चाहिए, तो इससे हमारी चम्मचों में जो बैक्टीरिया होगा वो पनप नहीं पाएगा और इस तरह से हमारी खाने की जो बर्तन है साफ़ सुथरे रहेंगे। तो इस तरह से आप चम्मचों को ज़रूर से एक हफ्ते में एक बार बॉयल कीजिएगा। तो मैंने तो अपने घर की सारी चम्मचों को बॉयल कर लिया है, तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत दवाई की महक रह जाती है और उससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो एक चम्मच निकाल कर मैंने अब इन्हें ठंडा कर लिया है और मैं अपनी स्पून को रख देती हूँ। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।